रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी है। वह रविवार को कुआलालंपुर पहुंचे। उनका वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों ने स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि यहां वह रक्षा संबंधों को और मजबूत करेंगे, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह इस यात्रा के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री YB दातोसेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचे। राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इससे पहले आज रक्षा मंत्री ने कहा कि रविवार 9 जुलाई को मैं 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया के कुआलालंपुर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने समक्ष दातोसेरी मोहम्मद हसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए उत्सुक हूं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच गहरे और मधुर संबंध है। हाल ही में अप्रैल में भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए। इससे पहले इस जून में विदेश राज्य मंत्री MOS मुरलीधरन ने मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री वी शिव कुमार से मुलाकात की और वे मलेशिया में भारतीय श्रमिकों के लिए सभी क्षेत्रों को खोलने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए। राजनाथ सिंह का ध्यान अपनी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीति साझेदारी बढ़ाने पर होगा। दोनों रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और संबंधों को और मजबूत करने के लिए पहल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मलेशियाई समकक्ष दातोसेरी मोहम्मद हसन साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत और मलेशिया का पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में साझा हित है। दोनों लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत और बहुआयामी संबंध है जो रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित हुआ है। बयान में कहा गया है कि दोनों देश 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और मलेशिया के बीच गहरे एवं मधुर संबंध है। हाल ही में अप्रैल में भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार निपटाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की, यह घोषणा भारतीय व्यापार को यूक्रेन संकट के प्रभाव से बचाने के लिए चल रहे आधिकारिक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।